Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100. Assalamu alaikum, Pakistan. All right, assalamu alaikum, Pakistan. Good morning, Pakistan, to everyone listening out there. Good morning, Pakistan. Ki yeh segment aapke liye pesh kiya ja raha hai. Wilson Pharmaceuticals jaane se hamare saath aaj Karachi studios mein maujood hain Dr. Nida Sajid, jinka taluq Dr. Ziauddin Hospital se hai, jahan par yeh bataur physician aur endocrinologist kaam kar rahi hain. Dr. Nida, thank you so much for joining us. Aaj hum hypertension pe baat karne wale hain. Ek aisa masla jisko hum bilkul seriously nahi lete. Hame andaaza bhi nahi hota ki hamare body ke andar yeh changes aa rahi hain. लेकिन बहुत कुछ हो रहा होता है. सारी डिटेल्स पे आगे चल के बात करेंगे. सबसे पहले तो आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक. खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच. हाइपरटेंशन होता क्या है वैसे? हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं. अच्छा. ठीक, आम जबान में ये बेसिकली आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आपका जो ब्लड है वो टकराता है ब्लड वेसल से. हार्ट पंप करता है, ब्लड टकराता है ब्लड वेसल से और एक रेजिस्टेंस पैदा होता है. उसको हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं या ब्लड प्रेशर बनाता है. अगर वो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन हो जाता है. बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो उस ब्लड प्रेशर की वजह से सही तरह काम कर रहे हैं. उनको एक सर्टन ब्लड प्रेशर चाहिए. अगर कम ज्यादा होता है तो वो ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं और हमारी बॉडी भी अफेक्ट होती है. बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम प्रिवेलेंस की बात कर लें तो हाइपरटेंशन की प्रिवेलेंस को आप किस तरह डिफाइन करेंगे? अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो रीसेंट जो सर्वे है, नेशनल सर्वे 2017 का, उसमें यह है कि 18% लोगों में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन है और 40 से अबव लोगों में 33% है. तो आप अगर एवरेज लगाएं तो 25%, मतलब चार में से एक बंदा जो है पाकिस्तानी वो हाइपरटेंशन का शिकार है. दैट इज इनसेन, क्योंकि और इनमें से भी आई एम श्योर 80% ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि exactly. वो हाइपरटेंशन का शिकार हैं और अनकंट्रोल्ड हैं, पता है लेकिन कुछ कर नहीं रहे उसके लिए. ये भी सो क्या दुनिया भर में पाकिस्तान समेत हाइपरटेंशन में इजाफा हो रहा है? क्या इसके केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है? बढ़ती जा रही है और इसका कुछ एरियाज में ऐसा नहीं है लेकिन पाकिस्तान में है. और इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है. हमारा जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो खराब हो रहे हैं. सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है. ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं जहां जहां बढ़ रही हैं. और लैक ऑफ एजुकेशन है, एक्सरसाइज नहीं है, वॉक नहीं है, तो वो तो ऑब्वियसली डायबिटीज का रेशो बढ़ रहा है. तो हाइपरटेंशन बेसिकली जिस तरह डॉक्टर ने दसाजिद कह रही है, हमारा लाइफस्टाइल बदलता जा रहा है. मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ हम खुद भी मॉडर्न होते जा रहे हैं. हम ये नहीं समझ रहे कि हमारी बॉडी की कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं. चाहे वक्त जमाना जितना भी आगे निकल जाए, हमारी बॉडी की कुछ जरूरियात हैं और वो सारी चीजें हमारे बैलेंस्ड लाइफस्टाइल से रिलेटेड है. हम उस बैलेंस्ड लाइफस्टाइल के बारे में आगे चल के बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त उठना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए, ये सारी चीजें आगे चल के डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो कॉजेस डिस्कस कर लेते हैं हाइपरटेंशन के. कोई वजूहात है हाइपरटेंशन की या अभी तक पता नहीं चला? नहीं, हाइपरटेंशन जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है 95% इट्स कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसका कोई कॉज ही नहीं है. जेनेटिक कॉजेज एंड फेमिलियल जेनेटिक कह सकते हैं एंड एनवायरमेंटल. ठीक है, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. 5% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ज्यादातर यंग लोग हैं जिनको हमें कॉज ढूंढनी चाहिए. जैसे कि कोई हार्मोनल इम्बेलेंस है, जैसे हाइपो हाइपरथायरॉयडिज्म है, पैराथायरॉयड का मसला है, कोई कुशिंग सिंड्रोम है, कोई किसी किस्म के हार्मोन ज्यादा निकल रहे हैं या किडनी डिजीज है उसको. लेकिन ऐसे लोग 5% ही हैं. 95% जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन, जिसमें कोई कॉज नहीं है, हमारे अपने ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ये कर रहे हैं. हाइपरटेंशन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाइपरटेंशन इन इटसेल्फ इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हाइपरटेंशन की वजह से जो मसाइल होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम की तरह चले जाते हैं. क्योंकि हाइपरटेंशन तो साइलेंट है. ठीक है, आपको पता ही नहीं लगता है, अंदाजा भी नहीं होता है. पीपल एक्चुअली कैरी इट फॉर इयर्स एंड इयर्स. हाँ, हो सकता है और पता भी नहीं लगता है. और जब इसके सिम्टम्स उसकी वजह से दूसरे ऑर्गन इफेक्ट हो रहे होते हैं तो फिर हमें पता लग रहा होता है, जी किडनी पे ये हो रहा है, जी आंखों पे ये हो रहा है, डायबिटीज हो गई साथ में, तो फिर पता लग रहा है कि जी हाइपरटेंसिव भी है. तो बेसिकली हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरटेंशन हो सकता है मुझे हो इस वक्त, खुदा न खास्ता, लेकिन जब तक मेरा किसी ऑर्गन पर इफेक्ट नहीं होगा, जब तक मुझे किडनी में प्रॉब्लम होना शुरू नहीं होगा या लिवर में प्रॉब्लम होना शुरू नहीं होगा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा. यूजुअली ऐसा हमारे यहाँ इसलिए नहीं होता क्योंकि हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीजों के लिए हम डॉक्टर्स के पास तो जाते ही हैं. तो वो जब ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है तो हम
इंसिडेंटली फाइंड आउट लोकल। मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैं कब डॉक्टर के पास गया था, को मेरे ख्याल से अब्बू ने ही चेक किया था लास्ट बार। लेकिन ये अलार्मिंग साइन है, और अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को हाइपरटेंशन है तो एटलीस्ट 40 इयर्स के बाद जो भी मुझे सुन रहा है वो एटलीस्ट अपना एक एनुअल चेकअप तो जरूर करे। जिस तरह डॉक्टर निदा कह रही है बहुत वैलिड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री नहीं भी है हाइपरटेंशन की, एक सर्टन एज ब्रैकेट के बाद आपको जनरल चेकअप कराना चाहिए डॉक्टर। एग्जैक्टली, इफ यू आर अ स्मोकर, इफ यू आर ओबीस, अगर आपने जो है ना क्या कहते हैं लाइफ स्टाइल आपका बैठे रहने का, जैसे बैंकर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको वॉक नहीं करना होता है, तो फिर आपको ऑब्वियसली कराना चाहिए एनुअल चेकअप। आजकल एक इशू जो आप बैंकर्स के हवाले से बात कर रही हैं, उन लोगों के हवाले से बात कर रही हैं जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमने देखा है पूरी बॉडी उनकी ठीक होती है, वो मोटे नहीं होते, सिर्फ तोंद निकली हुई होती है। तो मेरे वाले साहब भी कहते थे दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग एवर। एग्जैक्टली, वो पूरा फैट इंडेक्स आपका बॉडी में नहीं है, वो सिर्फ आपकी बेली पे है, एंड दैट्स वेयर द क्लॉटिंग अकर्स, आपकी हार्ट कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसमें जमा हो रहा होता है, और वो वेस्ट सर्कमफेरेंस जिसको हम कहते हैं कि फीमेल्स में 35 इंचेस और मेल्स में 40, तो वो आपको अगर है तो फिर आपको जरूर देखना ठीक है। किस तरह कंट्रोल करना है इन चीजों को, एक सेहतमंद इंसान कैसा होता है, हाइपरटेंशन से किस तरह बचा जा सकता है, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल कुछ टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं डॉक्टर निदा, क्या मुख्तलिफ अकसाम होती हैं हाइपरटेंशन की? जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, प्राइमरी वही 95% है जो कि जिसमें हमें कोई कॉज ही नहीं मिलता, एंड सेकेंडरी 5% है जिसमें हमें कॉज ढूंढना होता है, वो यूजली यंग पेशेंट्स में होती है, खासतौर पर उन लोगों को जो सुन रहे हैं और हाइपरटेंसिव हैं और उनका ब्लड प्रेशर 2-3 मेडिसिन पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा अचानक, पहले बड़े अच्छे थे कंट्रोल थे और अब नहीं हो रहा, उनको जरूर सेकेंडरी के लिए वर्कअप कराना चाहिए। यंग पेशेंट्स मतलब 20 साल से कम उम्र के लोग, 25 साल से कम उम्र के लोग, अगर उनको हाइपरटेंशन है तो उनको कॉजेज, और इसमें बेशुमार कॉजेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर रीनल कॉजेज आ गई, एंडोक्राइन कॉजेज आ गई, ठीक है, एओटा की प्रॉब्लम्स आ गई, तो ये सारे डिफरेंट, ये एक अलग चैप्टर है। तो ये सब चीजें अलार्मिंग साइंस हैं कि पहले मेरा ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा था, अब सडनली 3 ड्रग पे भी मैं कंट्रोल नहीं हो रहा हूं, तो इसका मतलब यू हैव टू चेक आउट फॉर योर सेकेंडरी कॉजेज इफ यू आर यंग एज, यंगर देन 20, फिर भी आपको सेकेंडरी कॉजेज देखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस का भी जिक्र कर लेते हैं। हमने कहा कि साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन लेकिन पता नहीं चलता। व्हेन डज इट गेट टू लेट? अगर आपके एंड ऑर्गन डैमेज होने लग जाए, मतलब कि हार्ट पे इफेक्ट होना लग जाए, हार्ट फंक्शन प्रॉपरली ना कर रहा हो, हार्ट की दीवारें जिसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी मोटा हो रहा हो या फंक्शन सही नहीं कर रहा है, आईज में प्रॉब्लम आ जाए, नजर सही नहीं आ रहा है, धुंधला आ रहा है, या किडनी फंक्शन मुतासर हो रहा है, इसका मतलब कि वो हाइपरटेंशन है, started to damage your organs, तो फिर आपको obviously उसको बहुत seriously लेना चाहिए। I don't think हमने अभी तक इस बारे में बात की है, लेकिन for example, मुझे अभी hypertension नहीं है, but there are some changes occurring in my body. अगर मैं आपके पास आता हूँ full checkup के लिए अपना, क्या पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई इश्यू नजर आ रहा है हमें, उस वक्त मेडिकेशन लेकर हम कंट्रोल कर लेता है कि हाइपरटेंशन हो ही ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेडिसिन आप पहले देंगे तो आपको ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है हाइपरटेंशन। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ भी आ रहा है, तो आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, सही वक्त पे सोएं, सही चीजें खाएं। इसके लिए एक बड़ा यानी वो है कि अगर कोई पेशेंट पहली दफा आपके पास आता है और आप ये लगता है कि जी आपने बीपी चेक किया उसका बीपी हाई आ रहा है, तो हम उसे लेबल नहीं करेंगे कि वो हाइपरटेंसिव है, ठीक है, उसको हम एक तो हाइपरटेंशन लेबल करने का भी एक तरीका है कि किस तरह से बैठा के 5 मिनट्स रेस्ट देके कॉफी ना पीवियो, सिगरेट ना पियो, चाय नहीं पीवियो, उसके बाद आप बैठा के पेशेंट को और फिर उसका बीपी लेंगे, दोनों हाथ पे बीपी लेंगे, ठीक है, और जो आम ज्यादा बीपी शो कर रही होगी वो आपका बीपी कहलाएगा। उसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है और आप बिल्कुल नॉर्मल चिल है, मतलब आप चलते फिरते आ रहे हैं, तो आप उसको टाइम देंगे कि आप नेक्स्ट वीक आए, फिर उससे नेक्स्ट वीक, एटलीस्ट बुक्स ये लेबल करती हैं 2 or more than 2 ओकेजन अगर आपका बीपी ज्यादा है, तो फिर आप उसे लेबल करेंगे कि ये हाइपरटेंसिव है, वरना तो स्ट्रेस में भी लोगों का बीपी ज्यादा हो जाता है, नींद नहीं आती तो ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम हाइपरटेंसिव नहीं कहेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो डॉक्टर निदा कह रही है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं, उनको लगता है एक दफा उनका बीपी ज्यादा आ गया तो भाई हो हमें तो हाइपरटेंशन का मर्ज हो गया, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उन लोगों के पास जाना चाहिए हु नो दिस गेम, करेक्ट लेबलिंग चाहिए, बिल्कुल, और करेक्ट तशखीस भी होनी चाहिए। सो अगर किसी को कोई इश्यूज हैं तो वो किस डॉक्टर के पास जाए डॉक्टर निदा, सबसे पहले फिजिशियन या अपने लोकल कोई जीपी के पास भी जो जनरल प्रैक्टिशनर है, एटलीस्ट जाके चेकअप जरूर करवा सकता है कि फलां वक्त मेरा बीपी ज्यादा आया था, काइंडली चेक, बट वो भी एक रीडिंग नहीं होगी, वो मुख्तलिफ रीडिंग्स होंगी, मोर देन 2 टाइम्स
ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम पर्सिस्ट करता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर किसी का बीपी जैसे कोई इमरजेंसी में लैंड करता है और वो साथ में उसको हार्ट अटैक भी हो रहा है और बीपी हाई है, तो उस फर्स्ट बीपी को हम टेक ऐसे यही सोचेंगे कि ये हाइपरटेंसिव है, उसे हम लेबल कर देंगे। मतलब अगर कोई हार्ट अटैक के साथ, किडनी फेलियर के साथ या स्ट्रोक के साथ, फालिज के साथ आ रहा है, उसका बीपी रेज है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि पुराना बीपी क्या था, दैट पेशेंट इज हाइपरटेंसिव और लाइफ लॉन्ग उसको ट्रीटमेंट लेनी है, उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और एंजेसी। ऑब्वियसली अगर कहीं ऑर्गन मुतासर हुआ है तो उसकी, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, फिर वो तो हाइपरटेंसिव है ही है। ठीक है, क्या एज रिलेटेड भी होता है हाइपरटेंशन का मसला, क्या उम्र का भी कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 33% 40 ईयर से अबव है, ठीक है, और 18% 40 ईयर से बिलो है, तो अगर हम उसको वो करें तो 25% ओवरऑल आता है, लेकिन एज रिलेटेड है डेफिनेटली। तो क्लियर हो गई ये बात जी, कि जिस तरह आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपका लाइफस्टाइल भी चेंज होता जाता है, आपकी वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती जो एज अ टीनेजर या आप जब आप 20s में होते हैं तो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहती है वैसी नहीं होती। तो अपना ख्याल रखना आपका काम है जी, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा अपने लाइफस्टाइल पर फोकस करेंगे, उतनी ज्यादा बेहतर जिंदगी आप गुजार सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ मर्दों और खवातीन के बारे में बात कर लेते हैं। Is there a difference in the cases? क्या मर्दों में और खवातीन में इसकी prevalence में कोई फर्क है? Not exactly. मर्दों और खवातीन का यह है कि slight predominance males में है, slight, लेकिन 60-65 years से above में वो equal हो जाता है। मतलब and this has to do with the hormones जो menopause के बाद obviously equal हो जाता है female और males में, usually 65, लेकिन slight है, मतलब उसको ज्यादा आप ये नहीं कह सकते कि मर्दों में बहुत ज्यादा है, 3% है और इसमें कुछ भी नहीं है, slight predominance in male। हाँ, blacks and whites में जरूर फर्क है, ब्लैक पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन ज्यादा है और व्हाइट में जो है ना वो कम है। ऑनेस्टली अगर हम लाइफस्टाइल्स की बात करें, अगर हम मर्दों और खवातीन की बात करें, मर्द शायद बाहर के खाने ज्यादा खा लेते हैं, उनकी शायद मसरूफियात वैसी नहीं होती, खवातीन घर पे भी होती हैं तो हमेशा कोई ना कोई काम कर रही होती हैं, किसी किसी काम में लगी हुई होती हैं, वो ज्यादातर घर के खाने खा रही होती हैं। हाँ, खवातीन भी बाहर जाके खाने खाती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद एडअप करती हैं और डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। एक्चुअली मुझसे सवाल बहुत खवातीन करती हैं जब आती हैं कि जी मैं तो बहुत काम करती हूँ घर में और मैं बहुत जो है ना ये किया, मैंने वो किया, सारा दिन सीढ़ियां चढ़ती हूँ, ये पूरा दिन घर के मासी से काम करती हूँ, तो जो है ना मुझे तो वॉक की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरीबडी नीड्स वॉक और खास तौर पे एरोबिक एक्सरसाइज। मैं उसकी बात नहीं कर रही कि आप कोई जिम जाके और वो हैवी एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज एंड वॉक, उससे हाइपरटेंशन का डायरेक्टली रिलेशन है। अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो खवातीन और मर्द दोनों, चाहे वो कितना भी काम करती हूँ, लेकिन उनको वॉक और एरोबिक्स की जरूरत है। एट टाइम्स अगर आप किसी को कहें कि यार आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, तो वो सोचना शुरू हो जाता है पता नहीं उसको क्या करना पड़ेगा। बट फ्रेंकली डॉक्टर निदा, अगर एक शख्स दिन में आधा घंटा भी ब्रिस्क, यानी कि थोड़ा सा तेज वॉक कर ले अपने हाथ हिलाकर और पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके, दैट्स इनफ फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। इनफ 30 मिनट्स या आप कह लें ओवरऑल 150 मिनट्स पर वीक। ओके, ठीक है, तो ये आप देख लें अपने हिसाब से, जो भी आपका टाइम है, सैटरडे संडे ज्यादा कर लें, बाकी दिन कम कर लें, लेकिन करें। ठीक है, कहते हैं ना लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक डिसिप्लिन जिंदगी गुजारते हैं, आपके उठने का टाइम मुतय्यन है, आपके सोने का टाइम मुतय्यन है, आपको पता है कि आपने सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, रात को क्या खाना है और किस वक्त कितना खाना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे, हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, हम एक्सरसाइज रिजीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक लेके वापस आते हैं। आप FM 100 के कराची स्टूडियो से स्पेशल प्रोग्राम सुन रहे हैं विल्सन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निदा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। इट्स 11:45 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय फीनिक्स बैटरीज। फीनिक्स बैटरी के साथ जिंदगी चलती जाए। Place the best music. FM 100. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ FM 100 की कराची स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर निदा साजिद, जिनका ताल्लुक डॉक्टर जियाउद्दीन हॉस्पिटल से एज अ फिजिशियन प्लस एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर जियाउद्दीन में होती हैं, और आप इनको भी विजिट कर सकते हैं अगर आपको हाइपरटेंशन के इश्यूज हैं। इसके अलावा हम मुख्तलिफ डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाने के मरहले से पहले जरा
لائف سٹائل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر ندا. ایک ہیلدی ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا ایک ہیلدی ڈائٹ کا یہ مطلب ہے کہ آپ صرف سبزیاں اور پھل کھائیں یا ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہوتی ہے؟ نہیں, ہیلدی ڈائٹ میں سبزیاں اور پھل تو آبویسلی انکلوڈڈ ہیں, لیکن اس میں سیچوریٹڈ فیٹس کم ہونے چاہیے. جو ہم لوگ ڈیپ فرائنگ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اگر آپ اوائڈ کریں, بیکری فوڈز اگر آپ اوائڈ کریں, اور آپ سمپل فوڈز جو گھر کے عام بنے ہوئے کھانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وتھ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس, ٹھیک ہے, اور اگر آئلز بھی آپ استعمال کریں تو آئلز بھی جو ویجیٹیبل آئلز ہیں وہ استعمال کریں, گھی کا استعمال نہ کریں. ڈیش ڈائٹ ہوتی ہے جیسے کہ جس میں فروٹس ویجیٹیبلس اینڈ لیس سیچوریٹڈ فیٹی فیٹس ہوتے ہیں. لیس دین 30% فیٹ ہونا چاہیے آپ کے اوور آل ڈائٹ میں. اوبویسلی ہم اس کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن ایک ہیبٹ بنا سکتے ہیں کہ صبح ہم نے ناشتہ کس چیز سے کرنا ہے, دوپہر کھانا کس چیز سے کھانا ہے, اور رات. اچھا, ہم کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بہت زیادہ دماغی ہو جائیں. ہاں, مطلب بہت زیادہ سوچنا شروع ہو جائیں, نارمل رہیں, ہر چیز اعتدال میں رہ کر ہونی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں, کچھ بیسکس آپ کو پتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ناشتہ سب سے پہلے آپ نے بہت اچھا کرنا ہے, کیونکہ آپ کو صبح انرجی چاہیے پورے دن کو گزارنے کے لیے. دوپہر کھانا آپ نے مناسب کرنا ہے, اور رات کا کھانا بہت لیٹ نہیں کھانا, صحیح ٹائم پہ کھانا ہے اور کم کھانا ہے. تو یہ چیزیں اگر آپ خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر نے, تو آپ بہت سارے ایشوز سے بچ سکتے ہیں. ہاں, اور سالٹ کا انٹیک خاص طور پہ, یہ جو ہم اوپر سے نمک ڈال ڈال کے کھاتے ہیں سب سے ڈینجرس ہی نہیں. اب اوپر سے نمک کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھا رہے ہوتے ہیں. جی, جو چپس آ رہے ہوتے ہیں, چاہے بیکری کے چاہے وہ پیکٹ کے چپس ہیں, یا فرینچ فرائز, اینڈ اس کے علاوہ ہم انڈے پہ اوپر سے نمک ڈال رہے ہوتے ہیں یا اچار کھا رہے ہوتے ہیں. فرینچ فرائز پہ چاٹ مسالہ نہ ہو, لیکن تو ون سے نہ منتھ آپ کر لیں, لیکن پیسے نمن کر لیتے ہیں, مناسب کر لیتے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ اچار لوگ کھا رہے ہو, تندور کی روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ایڈڈ سالٹ بہت ہے. مطلب سننے میں اتنا مزہ آ رہا تھا مجھے, اچار, تندور کی روٹیاں. مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو نہ صرف سننے میں بلکہ یہ چیزیں استعمال کرنے میں بڑا مزہ آتا ہوگا. بٹ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی مرض کی تشخیص ہو گئی تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے. سو اٹس اپ ٹو یو, لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر ندا کہ انہوں نے کس چیز کو کس وقت تک انجوائے کرنا ہے, اور پھر کس چیز سے پریونٹ کرنا ہے. مطلب خدا نہ خواستہ کسی کو سٹروک ہو جائے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی پریونشن کر لے. پرابلم کی ڈیٹیکشن ہونے کے بعد کیا خیال رکھنا ہے, آپ نے اس پر آگے چل کے بات کریں گے. کچھ اور ذکر ذرا ہم ڈائٹ کنٹرول کرنے کا کر لیتے ہیں, ایکسرسائز کا کر لیتے ہیں. اگر ہائپر ٹینشن کی تشخیص ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور اگر ہم نارمل ڈائٹ لیتے ہیں, تو کیا اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں میں ہائپر ٹینشن کی ایشوز ہو جاتے ہیں؟ نارمل ڈائٹ لیتے ہیں, ہاں اوبویسلی, کیونکہ آپ کی اگر فیملی میں ہے تو یو آر جینیٹکلی پرون, ٹھیک ہے, تو آپ جینیٹکلی پرون ہے تو 40 کے بعد وہی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو چیک اپ تو اپنا ضرور کروانا ہے. اچھا, ایک مت جو ہے, ڈپریشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, زیادہ سوچنے سے, یا وہ لوگ جو زیادہ پریشان رہتے ہیں, زیادہ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں, پرسنالٹی جو ہوتی ہے اوبویسلی اس کا تعلق ہے اسٹریس ریلیٹڈ, کیونکہ اسٹریس میں ہمارے بہت سارے ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہو رہا ہوتا ہے اس میں, تو وہ ایک نہ ایک وقت ایسے لوگوں میں جن میں جیسے ہم کہتے ہیں اسٹریس, ڈاکٹر کو دیکھ کے ہائپر ٹینشن ہو گئی, وائٹ کوٹ ہائپر ٹینشن, وہ اسٹریس ریلیٹڈ ہی ہے. تو 1-5% ایسے لوگ ایئرلی ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں, پہلے سٹریس ریلیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں, بعد میں وہ ہائپرٹینسیو. ڈاکٹر نندا, کچھ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, جیسے ہم کہہ رہے ہیں سونے کا ایک ٹائم ہے, اٹھنے کا ایک ٹائم ہے, کچھ لوگ رات کو کام کرتے ہیں, ان کی نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, دے کین ناٹ ہیلپ اٹ. ایسے لوگ کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا پھر جو کھانے پینے کا وقت ہے وہ بھی پھر اوپر نیچے ہو جاتا ہے. نہیں, اگر ایسا ہے تو چند, یہ تو میں یعنی کافی لوگ میرے پاس آتے ہیں جس طرح کے پیزا ہٹس میں جاب کر رہے ہیں یا کہیں بھی جاب کر رہے ہیں, تو جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری نائٹ ڈیوٹی ہے, ہم باہر جا رہے ہیں وہ, لیکن پھر یہی ہے ان کے لیے کہ اگر ان کا آرگن افیکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پلیز چینج یور لائف سٹائل, پلیز چینج یور جاب, لیکن وہ بہت آسان نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن آپ شفٹ لگوا سکتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ ڈیلی اس طرح کا ورک کریں گے تو وہ ہارمونل لیولز جو آپ کے اوپر نیچے ہوتے ہیں اس کو کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو ٹھیک کر سکتی, ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو خود آپ کو خود فلکچویٹ کرنا ہے اپنی, تھوڑے دن ویسے کر لیا, تھوڑے دن ویسا کر لیا, لیکن ایٹ لیسٹ سمجھنا بہت یعنی ضروری ہے. اگر آپ سمجھیں گے نہیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب تک ہائپر ٹینشن کی وجہ سے آپ کا کوئی آرگن افیکٹ نہیں ہوتا جب تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایک دفعہ آرگن افیکٹ ہو گیا تو یاد رکھیے یہ ارریورسیبل ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا آرگن کبھی نارملی کام نہیں کرے گا, آپ کو کسی نہ کسی دوا کی ضرورت پڑے گی, کسی نہ کسی چیز کے سہارے کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ نارمل فنکشن کر سکیں. ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ ہم ایسی رجیم دے دیتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, آپ جو ہے نا رات کو دوا لے لیں,
आप दिन को दवा ले लें, जैसे डायबिटिक्स भी आते हैं या हाइपरटेंसिव, जी मैं रात को जागता हूँ तो जी रात को इंसुलिन ज्यादा लगा लें, ऐसा होता है. कुछ ना कुछ डॉक्टर मैनेज करता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके पार्ट से भी फिर मैनेज करना पड़ता है कि जी ज्यादा डोज आप रात वाला ले लें, ठीक है, कम डोज आप दिन वाला ले लें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है. ठीक है, पेशेंट को डॉक्टर के पास कब चले जाना चाहिए? When should a patient go and see a doctor? देखें, जब भी उसे कोई नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आ रहे हैं, वैसे तो हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम नहीं है, ठीक है. अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो. इफ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, जी तबियत ठीक नहीं लग रही, थकान हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, यू शुड गो टू अ डॉक्टर. एक और भी चीज है डॉक्टर निदा, वी कैन कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस. आप दो कदम चले, आपका सांस फूलना शुरू हो रहा है, या आपको तबियत बोझल बोझल सी लग रही है, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, आप लेजीनेस फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, सो दीज आर सिम्टम्स कि कुछ ना कुछ तो मसला है आपके अंदर, या आपकी बॉडी एक्सरसाइज मांग रही है. मैंने ये भी देखा है कि अगर आप एक आध दिन एक्सरसाइज कर लें तो आपको बेहतर लगता है. बिल्कुल, ये है लेकिन यू शुड गो टू अ डॉक्टर. और अगर फर्स्ट टाइम उसी तरह से जिस तरह फर्स्ट टाइम अगर आपका बीपी हायर साइड पे आता है, तो फिर आपको जरूर जरूर विद इन अ मंथ वो बीपी दोबारा चेक करवाना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली आपके हाथ में है कि आपकी जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है और आपने किस तरह गुजारनी है. आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे. याद रहे, आप जिन भी चीजों को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं वो सारी चीजें धरी के धरी रह जाएंगी अगर आप सेहतमंद नहीं है. अगर आप जिस तरह से अभी जिंदगी में कम्पीट कर रहे हैं उस तरह से कम्पीट नहीं कर सकते, तो आप जितने भी टैलेंटेड या जितने भी स्किल्ड हैं या आपने जितना भी एक्सपीरियंस हासिल किया है सब बेकार हो जाता है. डॉक्टर निदा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ एवरी लिटिल थिंग, ताकि आप अपना, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, हर किसी का ख्याल रख सके. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हाइपरटेंशन के, अगर किसी में तशखीस हो जाती है हाइपरटेंशन की? ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखें, हर पेशेंट्स में अलग अलग होते हैं. मतलब अगर मैं बात करूंगी तो कोई अगर पेशेंट सुन रहा है तो ये ना समझे कि जो मैंने दवाएं बताई हैं वो उसके लिए जरूरी हैं. ये इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो क्या बेहतर ट्रीटमेंट यूज कर यानी समझता है आपके लिए. ओल्ड एज के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, यानी 60 ईयर्स एंड अबव के लिए हम यूजली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं. अगर 60 ईयर्स से नीचे हैं आप तो उसके लिए अलग दवाएं हैं जो ज्यादा काम करेंगी आप में, जिसमें एस इनहिबिटर्स आरबीज वगैरह होते हैं. हाँ, ये जरूरी है कि अगर आपको हाइपरटेंशन के साथ दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको देखिए, आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. मतलब अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटीज है तो आपकी दवा बिल्कुल अलग है, और अगर सिर्फ हाइपरटेंशन है तो बिल्कुल अलग है. और अगर हाइपरटेंशन के साथ कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे थे सांस फूल रहा है या कोई एंजाइना है, तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है. तो मतलब ये नहीं समझें कि अगर मुझे हाइपरटेंशन थी और अब मैं डायबिटिक हो गया हूं तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं, मैं वही दवा खाता रहूं, ऐसा नहीं है. यहाँ पर दो तीन इश्यूज हैं, दो तीन मिसकंसेप्शंस हैं, दो तीन मसाइल हैं जिनको केटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहले, एक दफा आपके अंदर हाइपरटेंशन की तशखीस हो गई, एक दफा आपने दवा लेना शुरू कर दी, तो आप वो दवा बंद नहीं कर सकते. और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो एडिक्शन हो गई है हाइपरटेंशन की अद्वियात की. वो एडिक्शन नहीं है, वो आपकी जरूरत है. लेट्स क्लियर दिस फर्स्ट. देखिए, अब लोग जैसे आएंगे ना तो दवा दी हमने, उसके बाद कहेंगे कि जी कितने दिन खानी है, दो हफ्ते खानी है. भाई लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, आप ये एक्सेप्ट कर लें. जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वो आपको, सीधी सी बात है कि वो आपको दवा ऐसा लगेगा कि जी ये तो लगी नहीं रही, तो काम नहीं कर रही, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं और दवा कम असर कर रही है. दूसरी बात है कि हम कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं जो कि अभी हम ढूंढ नहीं पाए हैं, और जिसका इलाज है उसका इलाज नहीं कर रहे, ठीक है. और उसमें हम एंड पे आप लैंड करते हैं डॉक्टर के पास हार्ट अटैक, पल्मोनरी एडिमा के साथ या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के साथ, और फिर कहते हैं इसको ठीक कर दो, तो फिर ये वो नहीं हो सकता. फिर तो वो आपको ऑब्वियसली ये एक्सेप्ट करना है और आपको लाइफ लॉन्ग लेनी है, कम या ज्यादा वो आपका डॉक्टर डिसाइड. जैसे डॉक्टर निदा कह रही थी कि किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए अलग मेडिकेशन है, हाइपरटेंशन के साथ कोई और इश्यू है तो उसके लिए अलग मेडिकेशन है. आजकल मसला ये है डॉक्टर निदा, हर कोई एनालिस्ट बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई समझता है, उसको सब पता है. तो सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है. इसमें कहीं से भी लाइट लेने वाली बात नहीं है, ये कहीं से भी मजाक वाली बात नहीं है. बहुत क्लियर मैसेज देने की जरूरत है. अगर आपको सर में दर्द है या छोटा सा भी इशू है या आपका पेट खराब है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप वो दवा जो आपकी मम्मा 5 साल पहले आपको दिया करती थी आप फार्मेसी जाके वही दवा ले लें. बिल्कुल, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो भर के आ रहे होते हैं और फिर आपको पता ही नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है. और फिर आप आ जाते हैं डॉक्टर के पास कोई और कॉम्प्लिकेशन के साथ लैंड किए हुए. मतलब हो सकता है कि आपका हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और आप वो दवा ले रहे हैं हाइपरटेंशन की जो हार्ट कॉम्प्रोमाइज में नहीं दी जाती.
और आप वो लिए चले जा रहे हैं लिए चले जा रहे हैं, उसके बाद फिर वो फुल कॉम्प्रोमाइज के साथ आप आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किया क्या आपने. तो दो चीजें हैं जी जिनका आपने खास ख्याल रखना है. एक दफा अगर आपने हाइपरटेंशन की अद्वियात लेना शुरू कर दी है तो आप रुक नहीं सकते. दूसरा ये कि आपको कोई भी इश्यू हो रहा है तो डॉक्टर जिसने बेचारे ने 7-8 साल लगा के अपनी डिग्री कंप्लीट की है, जिसने रेजिडेंसी भी की है, जिसने बहुत मेहनत की है, उसको पता है क्या करना है और किस तरह करना है. उसके बाद जाइए, उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में बताए, वो आपको बेहतर अंदाज में गाइड कर सकता है. ट्रीटमेंट ऑप्शंस और किस तरह के हो सकते हैं. गालिबन जब हाइपरटेंशन की इब्तिदा होती है तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप नेचुरली इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपनी डाइट बेहतर करें, एक्सरसाइज करें, ताकि कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकें इसको. एक वर्ड आता है प्री हाइपरटेंशन, ठीक है, जो कि अब थोड़ा सा खत्म भी हो गया है 2018 में, उसको हमने एलिवेटेड का नाम दे दिया है. लेकिन प्री हाइपरटेंशन होता है मतलब 120 से 129, 80 से 89 डायस्टोलिक सिस्टोलिक डायस्टोलिक, तो हम उसमें कह सकते हैं कि हाँ प्रिवेंशन जो है वो आपको हाइपरटेंशन प्योर हाइपरटेंशन की तरफ थोड़ा सा मतलब ले जा तो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो उसमें आप ये कहेंगे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करती है. लेकिन एक दफा हाइपरटेंशन लेबल हो गया तो यू हैव टू डू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, लेकिन दवा की तो मतलब उसमें कोई छूट नहीं है कि आपको दवा नहीं लेनी, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ वो लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस ये जरूर करेंगी जी 8-10 mmHg आपका ब्लड प्रेशर सेटल करेंगी, लेकिन वो टोटली नीचे नहीं कर सकती. और किन चीजों का ख्याल आपने करना है और स्मोकिंग, किन प्रिवेंटिव मेजर्स? स्मोकिंग सबसे पहले, स्मोकिंग, स्ट्रेस, वही बात है कि जो स्मोकिंग एंड अदर हैबिट्स, ठीक है, अदर एडिक्शंस. एंड इसके अलावा सॉल्ट इनटेक का, कुछ लोग बिल्कुल सॉल्ट बंद कर देते हैं, वो भी बहुत गलत है. अच्छा, फिर वो हाइपोनेट्रीमिया के साथ जी सोडियम ही खत्म बॉडी से, कम हो गया बिल्कुल ही, डेंजरसली ऐसा नहीं करना चाहिए. सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है, बहुत से लोग खानों में ही मुनासिब नमक डालते हैं. सबसे ज्यादा डेंजरस जैसे आप पहले भी कह रही थी, जो ऊपर से नमक डालने का सीन है ना चीजों में, चाट में ऊपर से नमक डाल दिया, चाट मसाला बहुत ज्यादा डाल दिया, ये चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं. वो चीजें आप अवॉइड करें. जो बिस्किट्स होते हैं, नमकीन बिस्किट्स ना खाएं, बेकरी आइटम्स जिसमें आपके ऊपर से नमक डाला हुआ होता है वो ना खाएं. वही बात है कि ये जो बाहर के खाने होते हैं वो अपने हिसाब से नमक डाल रहे होते हैं, वो आप ना लें. ऑब्वियसली ऑयली होते हैं, वो आप ना लें. ठीक, हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? अब हम रैप अप भी कर रहे हैं डॉक्टर नेता, टाइम भी हमारे पास खत्म हो रहा है, तो ये आपका आखिर में मैसेज भी होगा. हेल्दी इंडिविजुअल्स किस तरह एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं? प्रॉब्ली दिस इज समरी ऑफ व्हाटएवर वी टॉक्ड अबाउट राइट नाउ. बेसिकली एतदाल से चलना, प्रॉपर नींद, प्रॉपर क्या कहते हैं टाइमिंग, आपके वर्किंग आवर्स बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रॉपर एतदाल से खाना पीना, जो कि हमारे मजहब में भी है और हमारे लिए भी बहुत जरूरी है एज अ डॉक्टर. मैं आपको बता रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप हाइपरटेंसिव हैं, आप नहीं भी हैं तो भी आपको एतदाल से खाना है, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ है. और फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जिसमें एरोबिक्स भी आ जाते हैं, वॉक भी आ जाती है, अपने आप को बेसिकली बिजी रखना, ये बहुत जरूरी है. ठीक, FM 100 के कराची स्टूडियो से आप स्पेशल सेगमेंट सुन रहे थे विल्सन फार्मास्यूटिकल्स जानिब से, हेल्दी हार्ट विल्सन फार्मास्यूटिकल्स के साथ हमारे साथ डॉक्टर निदा साजिद मौजूद थी. बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा आपका. जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं जी, सब करें जो करना है आपने करें, जैसे डॉक्टर निदा कह रही थी, एतदाल में रहकर करें. कोई भी चीज ज्यादा करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, कोई चीज बिल्कुल नहीं करेंगे तो वो भी वन वे और दी अदर नुकसानदेह हो सकती है. आप पर डिपेंड करता है, आपके आसपास लोगों को पर नहीं. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज. वर्किंग, रनिंग, ड्राइविंग, फ्लाइंग, व्हाटएवर यू डू, यू लिसन FM 100.